अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा इतरत और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी लोकल शेड में। आज आपको ग्लैडिएटर ऑफ बलूचिस्तान दिखाते हैं, RG-24 लोकोमोटिव। इसे ग्लैडिएटर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। ज़्यादातर ये आपको बलूचिस्तान में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज़ हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा RG-24 लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। 2500 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव होते थे ये, 2002 में हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसे GE में तब्दील किया। RG-24 103 टन इसका वज़न है। मुगलपुरा फैक्ट्री में तैयार हुए थे ये लोकोमोटिव। ये है जी इसका फ्यूल टैंक। अब आपको अंदर से दिखाते हैं लोकोमोटिव। अबासी साहब मौजूद हैं, ये अब हमें बताएंगे साहब। पूरा इंजन को पार्किंग बैटरी पावर मिलती है। यहाँ ये लगाते हैं ना तो गाड़ी पूरी अपनी वर्किंग मिलती है। कंपार्टमेंट सिस्टम है इसका पूरा। अटैची भी नहीं है, प्रेशर, फ्यूल प्रेशर, ऑयल प्रेशर, बूस्टर गेज, लोड गेज। मेरे तो प्लान है कि जितने प्लान होगा इसको पुश अप करते हैं। तो अब बंद है ना, तो नहीं है। तो ये इसका ट्रैकर है। हाँ जी, ये मुकम्मल, ये इस टाइम बंद है ना, मतलब गाड़ी स्टार्ट होती है, है? है। तो गाड़ी स्टार्ट होती है तो ऑन होता है। ट्रैकर सिस्टम है, जिस तरह वो जाती नहीं है, जिस तरह पता चलता है कि ट्रेन, वो एप्लीकेशन है ट्रेन की, उस तरह ये चलता है। जी सर, जेड सी यू में नहीं लगी हुई, आपने देखा होगा जेड सी यू में ऊपर इस तरह कलर किया है, नीचे ये बनी। ये थ्रॉटल है, मतलब नाच पे नाच, इसके आठ नाच के लिए होता है। ये गाड़ी को तेज करने के लिए रेस रेस मीटर है। तो ये नीचे थ्रॉटल है, मतलब बैकवर्ड, ये अब फॉरवर्ड हो गया, न्यूट्रल है, बैकवर्ड है, तीन है इसके। अब इसका वो नहीं है ना, टीटी पिंडी कितने आप पावर चाहिए? तीन RG-24 लिखा ना। ये रेड इसकी बोगी ब्रेक है। इसका एक लीवर टूटा हुआ था जो रिपेयर होने के लिए रावलपिंडी आया लोको शेड में। जी तो व्यूवर्स, ये थी मेरी RG-24 की एक छोटी सी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।